फर्ज निभाऊं, जो देखूं हालात लिखूं। परवेज कादिर खान MIM का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रदेश सचिव, आज जो है कि 80 चौकिंचा दीपक मैं पूरी फोर्स के साथ और ये जबरदस्ती शिवाला की गलियों में आकर के मुसलमानों को छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करके इन्होंने घर में घुस घुस करके मारा और यहाँ तक कहा कि मेरा योगी का आदेश है कि मैं मुसलमानों के इलाके में घुस घुस के मारूंगा। ये इन्होंने ऐसी ऐसी जास्ती की, छोटे छोटे जाति सूचक गाली भी की और यहाँ तक कि मेरे साथ बदतमीजी की। इन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों को मारा, मुसलमानों का तू नेता बना, मैं तुझे भी दिखाऊंगा और मैं इतना मुकदमा लगाऊंगा कि तुझे देख लूंगा। और ये आकर के हर एक को यहाँ माँ बहन की गाली पकड़ा ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिए थे, शराब पिए थे पुलिस वाले। इन्होंने तमाम लोगों को, तमाम छोटे छोटे बच्चों को जो रोजेदार दिन बचते थे, इन्होंने लाठी के तरीके से इस तरीके छोटे छोटे बच्चों को मारा और मुसलमानों को मोहल्ले में घुस घुस के इस तरीके से बात किया। अब कहते हैं कि मैं मुसलमानों, ये जाति सूचक गाली बक्का, इन्होंने मुसलमानों को इस तरीके से मतलब भड़काया कि जैसे कि हिंदू मुसलमान एक दंगा करा, अवैश दरिंदे की तरह लोगों को यहाँ मारा। मैं यहाँ के अधिकारियों से कहना, DGP महोदय से कहना चाहता हूँ, अपने कमिश्नर महोदय से कहना चाहता हूँ कि इसको तत्काल प्रभाव से ये दीपक को एकदम यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाए, ये आवाम की मांग है। और इन्होंने जिस तरीके से आज किया है, ऐसा जुल्म किया, ऐसा वैश्याना दरिंदा काम किया इन्होंने कि इस तरीके से एक तरफा होकर के और यहाँ पर जो बच्चे घर घर में थे घर से घुस घुस कर मारा इन्होंने। रोग रोजा रख के सब सारी बातें, मास्क का पालन, कोविड का पालन करते हुए सब लोग अपने अपने घरों में, इन्होंने पूरी फोर्स को लेकर के आके मारा इन्होंने। और इस तरीके से कहा कि मैं पूरी PSC लेकर के आ रहा हूँ मोहल्ले, इस तरह मारे, कौन सा जुल्म जास्ते यहाँ पर हुआ है। मेरी ये डिमांड है अधिकारियों से, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कह रहा हूँ, इनको तत्काल बरगपा से सस्पेंड करके इनके ऊपर FIR करना चाहिए। इन्होंने इस तरह पूरे इनको पूरे चौकी के ऊपर FIR करके इनको सस्पेंड करना चाहिए, नौके से बर्खास्त करना चाहिए इनको। ये मेरी मांग है सरकार से और शासन से। मैं कमिश्नर साहब से भी कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की हरकत, ये बेजा हरकत इन्होंने किया है और छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने मारा, छोटे छोटे बच्चों को मारा, बोलो मारा कि नहीं बच्चों, इन्होंने मारा इस छोटे छोटे बच्चों को मारा इस तरीके से। इबादत के महीने घर में घुसे, कहा कि पूरा घर को खाली करा कर दो, ये इस तरीके अधिकारियों गुमराह करे, झूठी सच्ची बात कर रहे हैं और ज्यादातर पी के शराब पिए रमजान के महीने पुलिस वाले। ये बातें मैं शासन से आगाह करना चाहता हूँ, ये किसी दिन बहुत बड़े कांड करने वाले ये लोग हैं और दुनिया भर का नाजायज काम खुद करते हैं, है उसकी दलाली, उसका पैसा खाते हैं ये लोग क्षेत्र के अंदर। RD दवा खाने से आप ऐसे ऐसे नुस्खे प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी पुरानी से पुरानी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। यदि आप किसी भी बीमारी से मुब्तिला हैं, तो संपर्क कीजिए 50 साल के तजुर्बेकार देसी डॉक्टर से, बीमारी चाहे कितनी भी पुरानी हो। RD दवा खाने से आप ऐसे ऐसे नुस्खे प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी पुरानी से पुरानी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। यदि आप किसी भी बीमारी से मुब्तिला हैं, तो संपर्क कीजिए 50 साल के तजुर्बेकार देसी डॉक्टर से, बीमारी चाहे कितनी भी पुरानी हो। डॉक्टर असरुद्दीन का दावा है, बीमारी चाहे जैसी भी हो मगर इलाज चुटकियों में हो जाता है, तो मिलिए साहब डॉक्टर असरुद्दीन से। इनके नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिए गए हैं। गम नहीं लिखूं क्या मैं, गम को जश्न लिखूं क्या मातम को, जो देखे हैं मैंने जनाजे, क्या उनको बारात लिखूं, क्या उन पर बारात लिखूं। तेरी चर्चा हो गई दुनिया में, तेरी चर्चा हो गई। यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।